आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जमीन घोटाले के आरोपियों से इश्तियाक के तार जुड़ रहे हैं। जेल में बंद बबलू खान का अस्पताल की डॉक्टर इश्तियाक अहमद के नाम पर ये नाम रजिस्टर्ड है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन दोनों का पारिवारिक रिश्ता है। ईडी अपनी जांच कर रही है कि जमीन घोटाले से अर्जित धन से आतंकी संगठन को फंडिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। बबलू खान को 26 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जमीन घोटाले की ईडी जांच कर रही है और इसके कई पहलू निकलकर अब सामने आए हैं। 26 अगस्त को बबलू खान से पूछताछ होनी है। और जो इस वक्त की बड़ी खबर है, जमीन घोटाले से इश्तियाक का कनेक्शन अब तलाशा जा रहा है। इश्तियाक अहमद के नाम पर अस्पताल है और कई जानकारियां इस बीच सामने आई हैं और ये बबलू खान का अस्पताल है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे से कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं, दोनों का पारिवारिक रिश्ता ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जो अभी जांच है वो इस एंगल पर है कि जमीन घोटाले से अर्जित जो धन है क्या आतंकी संगठन को फंडिंग उससे हुई है या फिर नहीं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अब कल हमने आपसे जब बात की थी तो उसमें करेक्शन की बात आ रही थी, दो तीन इलाके ऐसे थे जिनका नाम पहली बार हम लोगों ने सुना था और कैसे रांची को एक दरभंगा मॉड्यूल की याद दिला दी, किस तरह से झारखंड में कनेक्शन जो है वो पनपते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आज जो कनेक्शन जो सबसे बड़ा ट्रेडर फंडिंग का जो सामने आया है, इसके बारे में क्या खबर है जी? बता दें कि इस पूरे मामले में जो इश्तियाक अहमद है, जो कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो कि रेडियोलॉजिस्ट है, एक मेडिका अस्पताल का जो रेडियोलॉजिस्ट है उसके नाम पर ये अस्पताल भी है। ये जो लेक व्यू हॉस्पिटल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये इश्तियाक अहमद के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। और कहीं ना कहीं अब ईडी की जाँच में बबलू खान का नाम सामने आया है। बता दें कि ये भले अस्पताल जो है वो बबलू खान के द्वारा बनाया गया हो लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो इश्तियाक अहमद के नाम पर है। तो अपने आप में एक बड़ी चीज है कि आखिर क्या जमीन घोटाले से जुड़े हुए जो फंडिंग थी उसमें इश्तियाक जो है उसका इस्तेमाल कहीं वो आतंकी गतिविधि के लिए तो नहीं कर रहा था। ये तमाम सवाल जो है उसकी जांच फिलहाल ईडी करेगी और यही वजह है कि 26 अगस्त को बबलू खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि बबलू खान का रिश्तेदार जो है वो इश्तियाक अहमद बताया जा रहा है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो जो जमीन घोटाले में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, चाहे वो अफसर अली की हो या फिर इसके साथ ही तल्हा खान की, इन तमाम लोगों की कड़िया जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ रही है और यही वजह है कि उसी सिलसिले में बबलू खान से अब पूछताछ ईडी करेगी। तो ये आतंकी कनेक्शन में एक नया जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है कि कहीं इसका इस्तेमाल जो है वो जमीन घोटाले के पैसों में तो नहीं हुआ है। फिलहाल ईडी के द्वारा जो संबंध है उसे सर्कुलेट किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे मसले में जो आतंकियों के खिलाफ जो रेड हुई है उसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन 5ों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। तो पूरी तरह से अब जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामले में इश्तियाक अहमद जो है वो अहम कड़ी है। तो इसके साथ ही जो जानहो स्थित चटवल का जो मौलाना है, जो मुफ्ती है जिसके द्वारा मदरसे का संचालन किया जाता था, वो भी एक अहम किरदार है। उसके द्वारा भी कुछ लोगों को मोटिवेट किया गया था इस संगठन में जुड़ने को लेकर, अलकायदा मॉड्यूल को मजबूत बनाने को लेकर। तो तमाम आरोपों को लेकर अब सिरे से जांच शुरू हो रही है कि इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ तक फैले हैं और कौन कौन से लोग इस कनेक्शन में शामिल हैं, ताकि तमाम लोगों पर जो कार्रवाई है वो की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। तो अलकायदा मॉड्यूल और इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं, और बड़ा अपडेट क्या है कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया गया और झारखंड मॉड्यूल का एक सूत्रधार डॉक्टर इश्तियाक अहमद है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। आरोपी फैजान अहमद, मतीउर रहमान जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आरोपी रिजवान बाबर, मुफ्ती रहमतुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई में झारखंड से 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि भारत में रहकर अलकायदा मॉड्यूल के जरिए देश के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का इनका इरादा था, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। और सबसे बड़ा आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। राजस्थान के भिवाड़ी में
पकड़े गए आतंकियों को इसने ही झारखंड से ट्रेनिंग के लिए भेजा था, और ये बातें अब सामने आ रही हैं कि कई लोग इसके संपर्क में थे। काफी लंबे समय तक हजारीबाग में दिल्ली से आई एटीएस टीम का जो है वो छापामारी चला। अभी देखिए हम उसी लोहसिंगना थाना क्षेत्र इलाके में है, जहां पर जो फैजान अहमद नामक शख्स को जो एटीएस की टीम साथ ले गई, उसका जो है वो घर बताया जाता है। आपको एक जो है गली दिख रहा होगा, इसी गली में जो है उस फैजान अहमद नामक शख्स का घर है, जो एक अलकायदा, जो एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, उस ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल जो लंबे समय तक जो छापेमारी चली, छापेमारी चलने के बाद एटीएस की टीम ने जो है उन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद हजारीबाग का सिविल कोर्ट में जो है उनकी पेशी की गई। उसके बाद जो है यहां से सीधे उन्हें रांची लेते जाया गया, रांची लेते जाने के बाद जो उन्हें दिल्ली भी लेते जाया गया है। अगर हम उनकी बैकग्राउंड की बात कर ले, जैसा कि हम जिस इलाके में है यही उनका जो है मोहल्ला बताया जा रहा है, अगर हम इनसे इनके बारे में कोई भी शख्स या फिर इनके पड़ोसी से हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी कहने से जो है वो बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात यह सामने जरूर आ रहा है कि अगर हम इनकी जो है व्यवसायिक की जो हम बात करें, तो ये जो है एक डायपर का बिजनेस किया करते थे, दुकान दुकान में जाकर एक फेरी की तरह जो है वो सामान पहुंचाया करते थे। इसके साथ ही अगर हम इनकी और भी जो है एक जो इनकी बात की जाए, तो इनके बारे में जो जहां तक पता चल रही बताया जाता है कि ये जो है ज्यादा इनका किसी के साथ लगाव नहीं रहता था, ये जो है अपने आप से ज्यादा मतलब रखा करते थे, और लोगों से जो है एक इनका जुड़ाव भी नहीं बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके से जो सामने आ रही है, और यह फैजान नाम जो शख्स का नाम सामने आ रहा है, एटीएस की टीम साथ ले गई है, और इस आतंकवादी संगठन से जुड़े का जो है वो कहीं ना कहीं इनका तार जुड़ा है। तो अब देखना यह भी होगा कि हजारीबाग से और भी ऐसे लोगों का, कैसे लोगों का जो चेहरा है वो सामने आता है, और आगे की जो कार्रवाई है क्या कुछ हो पाती है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले मोरहाबादी में राज्य भर के युवाओं का महाजुटान हो रहा है, और ये महाजुटान हेमंत सरकार को साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए वायदे की याद दिलाने के लिए हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से इस युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से 10,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, और किसी भी तरह की अस्थिरता के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। युवाओं को रोकने के लिए मोरहाबादी में कटीले तार से बैरिकेडिंग कर दी गई है, और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। युवा आक्रोश रैली और हेमंत सरकार के खिलाफ ये बीजेपी की रैली है, और 10,000 से ज्यादा युवाओं के इकट्ठा होने की सूचना है, और बीजेपी की युवा आक्रोश रैली को रोकने के लिए मोरहाबादी मैदान के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी की युवा आक्रोश रैली जो कि उन वादों को याद दिलाने के लिए है जो कभी हेमंत सोरेन की सरकार ने उन युवाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए किया था, और उसी बात को याद दिलाने के लिए आज युवा आक्रोश रैली रांची झारखंड की विभिन्न सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी की युवा आक्रोश रैली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। के लिए हेमंत सोरेन ने अपने सारे तंत्र को लगा दिया, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जो है लड़ाई में जाने से पहले ही हार मान चुकी है, और जिस प्रकार से वो पुलिस तंत्र का इसमें उपयोग कर रही है, मुझे लगता है कि कायरता पूर्वक जो है ये कदम उठाया गया हेमंत। अभी हम लोग का 2700 तो कार्यकर्ता आ रहे थे, जिसमें जगह जगह भी अपने हसडिया कल का आपने देखा ही, साथ में हजारीबाग, देवघर, सब जगह हम लोग को डिले किया गया, महिलाओं को भी रोका गया, आप लोगों को? हाँ, सबको रोका जा रहा है। हम लोग को तो पहले गोड्डा देखिए, हम लोग तो आंदोलन अपने घर से ही स्टार्ट कर दिए, हम लोग का तो घर से ही आंदोलन होने लगा। विधायक जी थे वहाँ, कम से कम 200 की संख्या में महिलाएं होंगी। क्या तकलीफ हुई रास्ते में? तकलीफ ये कि बस को रोका गया। आज गोड्डा से लगभग 2500 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं, और आज जोर शोर से हेमंत सरकार के विरुद्ध में हम लोग नारेबाजी करेंगे, और इनके सब बैरिकेटिंग को तोड़ के हेमंत को घेरने का काम करेंगे। और इनके बीजेपी की युवा आक्रोश रैली ने मोरहाबादी मैदान में कैसा नजारा है हम इस समय दिखलाते हैं, हम इस समय मंच पर मौजूद हैं। हम मंच पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, जो यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहते हैं?
जी आज झारखंड के हेमंत सोरेन से झारखंड के नौजवान हिसाब मांगने के लिए आज यहाँ आए हुए, क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में जितनी घोषणाएं की थी और उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, उसी के हिसाब मांगने के लिए झारखंड की जनता नौजवान आक्रोशित होकर के आप यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उनके आह्वान पर लाखों युवा इस सरकार से उन वायदों को याद दिलाने के लिए और अपना हिसाब लेने के लिए आ रहे हैं जो इस सरकार ने किया था। 5 लाख पर बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देना, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देना, अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी को परमानेंट करना, आज देखिए लाखों युवा है। ये सरकार पूरे झारखंड प्रदेश में एक अघोषित कर्फ्यू और इमरजेंसी लगा दी है, लोगों को आने से रोका जा रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं और लाखों लोग यहाँ पहुंच भी गए। युवा हिसाब मांगने आ रहे थे, लेकिन इतना डरी हुई सरकार हमने जीवन में आज तक नहीं देखी। ये सरकार इतनी डर क्यों रही है? युवाओं को जवाब नहीं दे पा रही है और इसीलिए आज एक सरकारी कर्फ्यू, एक आपातकाल लगाने का काम किया इस सरकार ने। कल से ही हमारे कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को पुलिस दबाव बना रही है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, पूरे रांची को कटीले तारों से घेर कर लगा कि सीमा पर है। इतना डर गई सरकार, आप ही ने वादा किया था 5 लाख नौकरी देंगे नहीं तो गद्दी को लात मार देंगे। हेमंत सोरेन की सरकार लोकतंत्र विरोधी, नौजवानों के रोजगार छीनने वाली सरकार और तानाशाह सरकार के खिलाफ नौजवानों ने बिगुल फूका है, पांचजन्य फूका है और आज का ये कार्यक्रम, आज का ये आंदोलन एक नई माइलस्टोन बन के रहेगा और आने वाले समय में ये सरकार जाने वाली है, उसका ये संदेश है। यहाँ का भ्रष्टाचार, ये सभी आज संकट के घेरे से घेरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बनाया है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड को बचाएगी, इसका एक संदेश देने का काम आज के रैली से हम कर रहे हैं। श्री हेमंत सोरेन जी तानाशाही, आज जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के लाखों युवाओं को रोकने का काम किया इस रैली में, वो याद आ रही है आपातकाल का, श्रीमती इंदिरा गांधी का समय। आज लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदेश के युवा रोजगार के लिए मोराबादी मैदान आए हैं और जिस प्रकार ये आज ब्रैकेटिंग की, जिस प्रकार आज कोशिश की, अगर ये बांग्लादेश के घुसपैठियों को रोकने के लिए की जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम मुद्दों पर यहाँ पर निशाना बना रहे हैं सरकार पर, साथ ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का ये मुद्दा उठा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आज जो है विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के युवा को चली वास्तव में सही मायनों में कितना असर पैदा करेगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रभावित संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और सूचना यह है कि शिबू सोरेन की आवाज के पास पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, युवा आक्रोश रैली से संबंधित, जहां हेमंत सरकार के खिलाफ युवाओं में रोष है, बीजेपी के युवा आक्रोश रैली। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शिबू सोरेन की आवाज के पास पहुंचे हैं और ये बैरिकेडिंग वहां पर की थी, पुलिस की तरफ से लगाई गई थी और इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, युवा कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और इसको तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वो सारे उपाय किए गए हैं लेकिन ये उपाय नाकाफी साबित हुए, उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे निकल गए और ये शिबू सोरेन का आवाज है जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी युवाओं को रोकने के लिए और कटीले तार भी लगाए गए, बांस बल्लों का सहारा लिया गया, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। तो बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, इन पर बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार की साजिश है। इस आक्रोश से और अपने वादा खिलाफी जो उन्होंने किया है और उससे जो माहौल बना है पूरे झारखंड प्रदेश में, युवा, लाखों युवा अपने भविष्य के अंधकारमय स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे जो झारखंड के सभी युवा ग्रुप हो, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो,
सभी ठगे गए हैं। तो अब ऐसी सरकार को सभी ने निर्णय ले लिया है कि उखाड़ फेंकेंगे, और इसीलिए ये रैलियां हो रही है। कई जगह पर रोका जा रहा है रैलियों को, सक्सेस नहीं हो, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का षड्यंत्र है। तो बीजेपी के युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए राज्य भर से युवा पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं के खाने पीने की व्यवस्था पार्टी आलाकमान ने की है। मोराबादी मैदान से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। भाजपा के कार्यकर्ताओं के भोजन का इंतजाम, जब आज राज्य भर से भाजपा के कार्यकर्ता राजधानी रांची में युवा आक्रोश मार्च में पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए खाने की क्या व्यवस्था है ये हम आपको दिखा देते हैं। कई पतीले में जो भोजन है वो तैयार हो रहा है, कई कुंटल भोजन बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें दाल चावल और आलू और सोयाबीन की सब्जी तैयार की गई है। जो कारीगर हैं वो कहते हैं कि एक पतीले में कई कुंटल जो खाना है वो बनकर तैयार हो चुका है। 7 से 8 जो पतीले में है वो सब्जियां फिलहाल तैयार हो रही है। करीबन 10 पतीले में दाल तैयार हो रहे हैं, चावल तैयार हो चुके हैं। संजीव विजयवर्गीय हमारे साथ हैं, क्या क्या तैयारी है विजयवर्गीय जी? देखिए, हम लोग कल से लगे हुए हैं कि हमारे जितने कार्यकर्ता, जितना युवा झारखंड से रांची आएगा, सबको उत्तम भोजन प्राप्त हो, क्योंकि हम बुला लेंगे, युवा आ रहे हैं आक्रोश दिखाने, तो उनको भोजन कराना। तो हम लोगों ने लगभग 50,000 लोगों का भोजन बना लिया है, और अभी रात से ही बन रहा, लगातार बन रहा, और हम पूरी तैयारी से यहाँ है कि हम सभी लोगों को जो यहाँ आएंगे उनको भोजन कराने का काम करेंगे। भोजन करके और जब युवा हमारा सड़क पे उतरेगा तो हेमंत सोरेन को की गद्दी को हटाने के लिए सड़क पर तो बैरिकेड लगा दिए गए, धारा 144 लागू है। देखिए, बैरिकेडिंग अलग विषय है, लेकिन युवाओं का जो उत्साह है उस उत्साह को हेमंत सोरेन नहीं हटा सकते। हमारे युवा आज यहाँ उसी मुद्दे से आए हैं कि उन्हें आज सरकार को हिला देना है। कितने काउंटर हैं इस साइड जिसमें भोजन परोसा जाए? देखिए, 52 काउंटर हम लोगों के तैयार हैं। हम लोग 52 काउंटर से भोजन वितरित करने का काम कर रहे हैं, और 2 काउंटर हम लोगों ने पानी के लिए रखा। बिल्कुल, 52 काउंटर पर जो भोजन है वो परोसे जा रहे हैं, और एक बड़ा जो रसोई घर है वो यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावे और अतिरिक्त जो भोजन है वो बनाने की तैयारी भी मोराबादी मैदान में चल रही है, ताकि राज्य भर से युवा जब मोराबादी मैदान आए तो वो यहाँ से भूखे न लौटे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और सिमडेगा से खबर है कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी को रोक दिया है। रांची जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी को पुलिस ने रोका, जिससे बीजेपी के लोग आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सिमडेगा बस स्टैंड जाकर सभी यात्री बसों का परिचालन ठप करवाया है। इसके बाद सड़क पर उतरकर सभी बीजेपी के लोग हेमंत सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। हम लोग का युवा मोर्चा का नेतृत्व में हम लोग आक्रोश रैली हो रहा है, जिसमें हमारे मैंने शांति प्रिय हम लोग जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई हम लोग उड़दंगबाजी भी नहीं कर रहे हैं। इसमें एक तरह से कहा जाए कि हेमंत सोरेन पहले ही हम लोग को डर रहा है। देखिए, हम लोग का आज 23 तारीख को पहले से समावेश था युवा आक्रोश रैली, उसमें यहाँ से बहुत सारे बसें की गई थी युवाओं को ले जाने के लिए, कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा, इतानाशाही सरकार के द्वारा सभी बसों को रोकी जा रही है, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये इतना शर्मसार सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी है। रांची के मोराबादी मैदान में बीजेपी की युवा आक्रोश रैली है, और इसे लेकर हजारीबाग से भी बीजेपी के कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हो गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। हेमंत सरकार के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है, खास करके युवाओं में। सुबह 6 बजे से ही लोग यहाँ से प्रस्थान करना शुरू किए हैं, और अंतिम पड़ाव अभी हम लोग साइड जा रहे हैं, और पीछे से भी लोग आ रहे हैं भारी संख्या में, लाखों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं, और हेमंत सरकार के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल का जो कार्यक्रम है वो हम लोग अभी करेंगे। पूरे झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि पूरे झारखंड से जो भाजयुमो के कार्यकर्ता है
वो रांची के लिए रवाना हुए हैं और इसके साथ ही जो है सरकार के खिलाफ जो है वो एक सभा करेंगे, उसके बाद हेमंत सोरेन के आवास को वो घेराव करेंगे। अगर यहाँ जारी बाकी अगर हम बात करें तो अभी जो है यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। इनका कहना है कि सरकार जो है कई तरह के जो विकास के कार्य है वो नहीं कर रही है, इसके साथ जो है लोगों के लिए और बेरोजगारों के लिए नियुक्तियां नहीं निकाल रही है। अब देखना यह होगा कि जो भाजपा कार्यकर्ता पूरे राज्य से जो है वो रांची के लिए रवाना हुए हैं, इस जनसभा के साथ साथ जन आक्रोश रैली का कितना असर देखने को मिलता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।